दोस्तों, बहुत खास वीडियो है। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं कि लोगों को समस्या होती है सिर में दर्द की, और आज सिर को दबाने का जो विधि है वो बिल्कुल हम आप लोग को दिखाने वाले हैं। बहुत आसान से कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे सिर में अगर दर्द हो, थकान हो, इस तरह की कोई भी समस्या रहेगी वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है कुछ हाथ की विधि है। हाँ, हाथ में यहाँ पे अगर हम ऐसे प्रेस करके इसको दबाते हैं तो कुछ ही समय में इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमको पता चलता है। इससे हमारे सिर में जो बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं उससे आराम मिलता है। यहाँ पे हाथ में ऐसे प्रेस करते हैं कुछ ही टाइम के लिए तो हमें सिर दर्द से आराम मिलता है। तो अब हम दिखाएंगे किस तरह से सिर का मसाज किया जाना चाहिए। तो ये देखिए आप, तो सबसे पहले हमें कोई भी तेल लेना है, चाहे आप ठंडा भी ले सकते हैं, कड़ू का तेल, सरसों का तेल, और जो भी आप तेल यूज़ करना चाहें उसको इस तरह से लीजिए सिर पे। और पहले बिल्कुल आराम से धीरे धीरे, जिस तरह से भीन रहा है बाल में, तेल को पूरी तरह से जो है बालों में भीनने दीजिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कुछ इसी तरह से आपको तेल को बिल्कुल बालों में भीनने देना है। और ये स्टेप आप जैसा कि देख रहे हैं बालों को बिल्कुल खींचते हुए पीछे की तरफ लेना है, फिर उसको आप पीछे से आगे की तरफ लेके आना है। ऐसा कई बार आपको करना है, 5 से 7 बार एक राउंड में, फिर उसके बाद दूसरी तरफ से 4 से 5 बार इस तरह से राउंड करना है, जिससे कि बालों का जो जड़ है, जड़ तक ये ऑयल पहुंच सके, इस वजह से हम ये कर रहे हैं। और ये आप स्टेप देख रहे हो किस तरह से इसको खींचा जा रहा है, आपको ऐसे ही बालों को खींचना है। और यकीन मानिए दोस्तों, यह बहुत ही आसान तरीका है। इससे चंद मिनटों में आपके सिर में दर्द, थकान और किसी भी प्रकार की परेशानी रहेगी सिर से रिलेटेड, वो बहुत राहत मिलता है। उसके बाद आपको इस तरह से जो है उसको पीटना है कुछ देर के लिए, फिर अब आप पूरे अपने पंजों का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ से बाल को दबाइए। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये चारों तरफ से बाल को दबाने का काम हो रहा है। 3 से 5 मिनट तक इसको इसी तरह ही जो है दबाते रहिए, जिससे कि बालों का जो है खिंचाव हो सके। और बालों का खिंचाव होगा तो कहीं ना कहीं जो है आपको राहत देगा। कर्ल करना है बालों के अंदर तक, उंगली आपकी जानी चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो, बालों को अंदर तक उंगली जा रही है और उसको फिर बाहर की तरफ लेके आना है, जिससे जो ऊपर के स्तर पे तेल होगा वह तेल नीचे तक पहुँच सकता है, नीचे तक पहुँचेगा और उसमें नसों तक जाएगा या जड़ों तक जाएगा बालों के। तो इस तरह से कुछ करना है, जैसे कि आप देख रहे हो, और फिर इसको पूरा घुमा लेना है। और उसके बाद आपको उंगलियों से जो है थोड़ा उसको सिर को ठोकना है, जिस तरह से आप देख पा रहे हो ये उंगलियों से जो है सिर को ठोका जा रहा है, जिससे कि राहत और मिल सके। ये सिर दबाने का सबसे आसान तरीका है और इससे तुरंत ही आपको जो है राहत मिल जाएगा। ये देखिए आप, बहुत कम लोग जो है इस तरीके को जानते हैं। और इस तरह से आपको खींचना है जिससे बाल थोड़े से ऊपर की तरफ आए और तेल जो है बालों के जड़ों तक पहुंच सके। ये आप देख पा रहे हो। अब ये देखिए, इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचना है, जिस तरह से दबा के और ऊपर की तरफ इसको खींचना है। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से थोड़ा सा उंगली धसाते हुए ऊपर की तरफ, थोड़ा सा उंगली धसाते हुए ऊपर की तरफ, और अंगूठों को बिल्कुल दबाते रहना है। अंगूठों से जो है सिर को दबाते रहना है, बीच बीच में जो पॉइंट्स होते हैं उसको दबाते रहना है। और ये देख रहे हैं जिस तरह से आप, इससे दर्द बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा, कहीं पर कोई दर्द रहेगा ही नहीं सिर पे। ये जो आप अंगूठे का दबाव देख रहे हैं बीच बीच में, ये काफ़ी जो है आरामदेह होता है और इससे बालों को काफ़ी सुकून मिलता है, सिर को काफ़ी आराम मिलता है। और ये देखिए, अंगूठे का यूज़ करते हुए आप देख पा रहे हो, इस तरह से आपको करते रहना है। तो आप 5 मिनट तक इस तरह से दबाएंगे तो सिर का दर्द जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और थकावट, तनाव, ये सब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे और आपको बहुत ही राहत मिलेगा। ये जो है आप सिर दबाने की विधि मैंने आप लोग के साथ साझा किया।
और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि इस तरह से आपको हाथ को दबाना है। तो ये प्रोसेस आप अपनाइए और उसके बाद हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें कोई लाभ महसूस होता है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने राय अवश्य ही हमें कमेंट में दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।